हुआ यार, कुछ दिख रहा है इसको यहाँ पे। बस बस बस, आराम से आराम से। दोस्तों मैं अभी अपने कैनल पर पहुंचा हूँ और मेरे हाथ में है ये धूप घास जिसके दीवाने हमारे सारे घोड़े हैं। ये युवराज भी है, पंछी भी है और हमारा भाई सबसे फेवरेट घोड़ा, शायद आपका भी। मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ये, यानी कि हमारा नुकरा घोड़ा। इसके थोड़ी सी चोट लग रही है यहाँ माथे पर, बहुत जल्दी सही हो जाएगी। तो ये वाली घास ना इन सभी की फेवरेट है, तो मैं आज इनके लिए लेकर आया हूँ और खास कर इसके लिए। इनको तो मैं खिलाता रहता हूँ ना, लेकिन खासकर इसके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत ही जल्द से जल्द दोस्ती करनी है। ये बहुत ही ज्यादा सीधा घोड़ा है। ये तो सारे अनाड़ी हैं, एक बार के लिए ये तो सीधा चल जाएगा, लेकिन पंछी, पंछी का तो आप वीडियोस देखते रहते हैं, आपको पता ही होगा भाई, इसको तो पकड़ना ही एक तरह से नामुमकिन सा होता है। कभी कभार हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर वो हाथ आता है। फिलहाल हमारे पास है हमारा नुकरा घोड़ा, जल्दी खाओ। शाबाश, ये देखे भाई कितना ज्यादा दीवाना है घास का। खैर हर घोड़ा दीवाना होता है। चलो पीछे 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 पीछे, यार देखे कितना ज्यादा वाइट है। यार वाइट घोड़े की बस यही एक थोड़ी सी दिक्कत है, ये जहां भी बैठता है ना वहां से गंदा हो जाता है। थोड़ी सी मैं घास ना पंछी को और युवराज को भी खिला देता हूँ। चलो थोड़ी सी, बस थोड़ी सी थोड़ी सी, थोड़ी औरों के लिए तो छोड़ दे यार। अबे भाई लो भाई पंछी, देखो भाई ये तो इतना ज्यादा डरता है, ले खा। अबे यार इसने तो सारी खा ली। यार घास खिलाने से पहले मुझे याद आया इनको पानी पिलाने का भी टाइम हो गया, जल्दी से मैं सारे घोड़ों को पानी पिला देता हूँ। किस किस को पानी पीना है भाई? आहा, इसने तो बता दिया कि पंछी को तो पीना है, वाइट वाले तुम्हें भी पीना है। इनके पास जल्दी से पानी लेकर चलते हैं। यार पानी चाहिए? चाहिए, पहले बोल कर दिखाना पड़ेगा। पानी भाई ये बोल रहा है, चाहिए पानी? यार ऐसे नहीं मानने का भाई, इसको पिलाना ही पड़ेगा। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है पानी पीता हुआ। पीले 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 पीले, आजा 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 आजा। यार इसको तो इतनी ज्यादा प्यास भी नहीं थी। लेकर चलते हैं अब पंछी के लिए। पंछी पंछी भाई ये तो नाम से सुनने लग गया, बहुत ही जल्दी हमारे सारे घोड़े भी नाम से सुनने लगेंगे। तो जल्दी से पानी पी लो, युवराज को भी प्यास लग रही होगी। क्या हुआ, जल्दी पी भाई। इसको कितनी प्यास थी, सिर्फ इतना सा पानी छोड़ा इसने भाई, बहुत प्यासा था यार तू तो। तो झूमर को, व्हाइट वाले घोड़े को और युवराज को और पंछी को, सबको मैंने पानी पिला दिया है और सबके सब अब दोबारा से अपना निहार खाने लग गए हैं। ये भी देखो ऐसे खा रहा है। इसके अंदर चलते हैं, इसको थोड़ा सा पहले कपड़ा मारते हैं, आज देखते हैं कपड़ा लगवाता है मुझसे या नहीं लगवाता है। हाँ भाई घोड़े, आह अरे यार ये काफी सीधा है भाई, सच में जमीन आसमान का फर्क है इसमें और मेरी तरफ लात क्यों कर रहा है ये। बस उधर हो जाओ, बस उधर हो जाओ थोड़ा सा। नहीं 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 भाई, मैं घेर लिया, उसने घेर लिया। शट 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 शट। डीवन लीवो, बस बैठ जाओ। ये वैसे तो बहुत ज्यादा सीधा है, लेकिन अगर इसको कोई परेशान करता है ना ये लात भी मार देता है। उस दिन मैंने देखा था इसने अपने मालिक जो सरदार जी थे ना उनको ये दो लाते मारी थी, ने दो लाते। बस 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 बस, बस भाई उधर चला जा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा तुझे। इसको आराम से मुझे पकड़ना पड़ेगा पहले, चलो इसको पकड़ते हैं। बस 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 बस, लात जो कर रहा है ना। अरे यार रहन दे, रुक जा। हे अच्छा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये डीवन की बेटी बहुत शैतान है यार, इसको पकड़ने की तरकीब बताऊं? ये पकड़ लिया, आजा। ऐसे पकड़ा जाता है भाई घोड़ा, जहां तक मुझे पता है, और मुझे पता नहीं कैसे पकड़ा जाता है कैसे नहीं, लेकिन देखो मेरे कंट्रोल में आ गया ना एकदम से आ गया। बस 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 बस, अब शैतानी मत कर, मेरी पकड़ में तो वाइट वाला घोड़ा आ गया है। अब आपको एक काम करना है यार, इतने आपने इतना काम कर ही दिया ना, तो आपको बस एक और काम करना है। ये हमारे पास लास्ट ऐसा जानवर बच रहा है जिसका हमें नाम नहीं पता, ठीक है? बस आपको ना इसका भी नाम बता देना है आज, इसका हम नाम क्या रखें, ठीक है? मैंने सोचा तो हुआ है वैसे, लेकिन आप लोग भी बताएं, अगर आप लोग भी बहुत अच्छा सा नाम बताएंगे ना तो मैं अपना नाम डिसमिस कर दूंगा, आपका बताया हुआ नाम रख दूंगा। कहां बढ़ रहा है, इसके नीचे ऊपर आके घास खाना, सॉरी घास कह रहा हूं ये चारा। ले ले ले, क्या नाराज हो गया क्या? ले
ले खा। शाबाश, ये बात। इसको ऐसे कर करके ही तो दोस्त बनाना है मुझे। इसको मैं ऐसा दोस्त बना दूंगा अपना, मैं बाहर आया करूंगा ना गेट पर, मुझे देखते ही किल्लियां मारना शुरू कर देगा, मतलब शोर मचाएगा। पापा जी आने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों पापा जी कैनल पर आ चुके हैं और आते ही पापा जी पंछी को बांधने लग रहे हैं, लेकिन पापा जी की पकड़ में नहीं आ रहा पंछी। एक मिनट यार, इसको पहले चुप करना पड़ेगा यार। पापा जी की पकड़ में नहीं आ रहा पंछी, पंछी पकड़ में आता ही नहीं है, भागता इतना ज्यादा। ये देखो फिर से भागने लग गया। ये देखे भाई, बस 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 बस, आ गया पकड़ में, आ गया। अच्छा मेरे हाथ में है दोस्तों मोहरा, और ये मोहरा युवराज को लगने वाला है। युवराज को आज बाहर लेकर चलते हैं, क्योंकि काफी दिन से मैं इसको बाहर लेकर नहीं गया ना, हम इनमें लग रहे हैं पंछी में और व्हाइट वाले घोड़े में, तो आज इसको बाहर लेकर चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज भी होनी जरूरी है ना। चलो भाई बाहर मिलते हैं आपसे। तो भाई मैं युवराज को लेकर बाहर आ चुका हूँ। हाँ भाई, ये देखें, ये चेक करें भाई, युवराज युवराज ऊपर ऐसे। आज मैं थोड़ी सी इस रोड पर इसको चलाऊंगा, उसके बाद नीचे लेकर जाऊंगा जमीन पर, कच्ची जमीन पर। और आज पापा जी ने बोला है कि इसको चेक करिए थोड़ा सा भगा कर, यानी कि इसके साथ साथ थोड़ा सा भाग कर मैं देखूंगा कि अब ये पैर दाबता है, मतलब कि लगड़ा कर चलता भी है या फिर नहीं। मतलब बेसिकली हमें चेक ये करना है कि इसके पैर में कितना दर्द है, किस चीज से डर रहा है, किस चीज से डर रहा है। क्या हुआ भाई, किसी चीज से डर रहा है पता नहीं। आ जा बस, क्या हुआ यार, कुछ दिख रहा है इसको यहाँ पे। बस बस बस, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, बस 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 बस। पता नहीं यार क्या दिख गया, मुझे तो दिखा नहीं भाई, क्यों डर रहा है, क्या हो गया युवराज, क्या बात है, हैं क्या बात है। बस बस बस, ये खाने की घास नहीं है, खाने की घास नहीं है, ये बेकार घास है। पता नहीं यार युवराज को क्या हुआ एकदम से अचानक से, पहले तो उसने ब्रेक मारे उसके बाद आगे चला ही नहीं। पर देखो यार, आपको पता है कि इनके अंदर कुछ सेंसेस होते हैं जो कि ये पहले ही पकड़ लेते हैं, कुछ अगर आगे खतरा होता है ना तो घोड़े पकड़ लेते हैं भाई। मैंने इसलिए रिस्क नहीं लिया, बस यहीं से घुमा लिया मैंने इसको। तो यार फाइनली अब चेक कर ही लेते हैं इसको कि इसके पैर में कितना दर्द है कितना नहीं है। रेडी युवराज, चलो आजा 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 आजा। थोड़ा सा दाब रहा है पैर को, आजा आजा आजा। बस बस बस, सीधा चल, सीधा 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 चल। अरे वाह भाई, सही दौड़ रहा, सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, इससे पता लगता है कि पैर में दर्द बहुत कम है, बहुत कम, माइनर सा। आजा 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 आजा, एक राउंड और, आजा 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 आजा, शाबाश। अरे वाह वाह वाह, आजा इधर चलते हैं, चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। तो क्या कूदने लग जाता है, आजा जा आजा, चल भाग भाग भाई। सही है, बहुत कम दर्द है, बहुत कम। इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी इस पर राइडिंग भी शुरू होने वाली है। मैं तो थक गया यार, इसको तो फर्क नहीं पड़ा होगा यार। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई पिछले पैर में, जो उसके नाल लग रही है ना उसकी वजह से, देखो अगले पैर में थोड़ा सा कट लग गया। ये देखो यार, यहाँ पर दिख रहा है खून भी निकल गया यार थोड़ा सा। जैसे ही ये पिछली चोटों से रिकवर करता है ना, एक नई चोट इसको घेर लेती है। दिख रहे हैं कितना ज्यादा कट गया। चल भाई चल चल चल, शाबाश 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 शाबाश, चलो 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 चलो। अरे वारे 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल 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 चल। हाँ बेटे बहुत बढ़िया, चल चल युवराज यार थक गया, चल 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 चले। क्या हुआ, अरे अरे अरे, मुझ पे गुस्सा कर रहा है। चल 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 चल, अरे बहुत बढ़िया चल, अरे अरे क्या कर रहा है, चल बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, शाबाश चल चल। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हो भाई। ओ यार भाई, डर गया था मैं तो एकदम से, ऐसा लगा मेरे ऊपर छाती पे। अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है भाई। इसका मतलब समझ रहे हो, युवराज पूरी तरह से ठीक होने जा रहा है। बस बस बस, गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं,
आराम से आराम से आराम से आराम यार, इससे पहले कि ये अबदारी पर उतरे। अच्छा जल्दी से इसको कैनल के अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जैसे जैसे सही होता जा रहा ना, इसको भी पता लग रहा है कि मैं सही हो गया हूँ, और ये पावर दिखा रहा बहुत ज़्यादा। अंदर लेकर चलते हैं जल्दी से भाई, आराम से आराम से आराम से। तो युवराज को तो मैंने अंदर बंद कर दिया है, और अब ये अपना चारा खा रहा है, और अब बारी है हमारे पंछी की और व्हाइट वाले घोड़े की दूध पीने की। वहां इनका दूध तैयार हो रहा है, और पंछी को तो देखो पता लग गया इसे। देखो इसको आदत हो चुकी है इस टाइम दूध पीने की, तो पहले इसको रखा जाएगा। तो सफेद वाले घोड़े को तो पापा जी ने दूध पिला दिया है, और अब बारी है पंछी की। आजा आजा, ये ऐसे क्यों कर रहा है पापा जी, गुस्से में है और मांग रहा है। तो जब ये पैर को ऐसे करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये और मांग रहा है दूध, या और पता नहीं गुस्से में है, या पता नहीं इसका मूड कैसा है। तो कैनल का सारा काम मैंने खत्म कर लिया है, मतलब मैंने नहीं पापा जी ने भी। तो मैं जल्दी से अपने सेटअप पर पहुंचता हूँ। और यार अथीना ना घास से डर गई। लो भाई खरगोशो, तुम्हें भूख लग रही होगी, फटाफट खा लो इसको। और अथीना सिट इधर सिट, शाबाश, मन लग रहा है ना यहाँ पे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हुन, ओवर एंड आउट।